जिला बिलासपुर भाजपा मंडल की बैठक जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान की अध्यक्षता में परिधि क्रिक बिलासपुर में आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी मंडलों तथा भाजपा से संबंधित महिला एवं युवा संगठनों के सभी अग्रणी संगठनों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह क्षेत्र में पधार रहे जेपी नड्डा का बिलासपुर के झंडुता विधानसभा के सुनहानी में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके लिए भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कमेटियों का गठन भी कर लिया गया है, ताकि पहली बार बिलासपुर आगमन पर आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर कोई कमी न रहे। सुनहानी हेलीपैड का भव्य स्वागत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडुता में 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत में शेर से लेकर झंडुता तक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे। एकल नारी शक्ति संगठन बिलासपुर की जिला प्रधान बिजबाला को नई दिल्ली में भारत रत्न से सुब्रमण्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ उन्हें श्रेष्ठ कार्य करने के लिए 1,00,000 रुपए से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह इंडिया हैबिटेट सेंटर NFE नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की तरफ से हर वर्ष अरेंजमेंट विशेष रूप से कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को दिया जाता है, जो ISI इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट के तहत व्यवस्थित किया जाता है। बता दें कि ये पुरस्कार कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि के लिए होता है, जो 1 मार्च से 28 मार्च तक समाप्त होगा। इस पुरस्कार के साथ सार्थक कार्य के लिए 1,00,000 रुपए का पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाती है, जो महिलाओं के कार्यों तथा कार्यक्रम आयोजनों पर खर्च किया जाता है। ये पैसा 2 किस्तों में दिया जाता है, जिसमें पहली किस्त में 60,000 रुपए एवं प्रशासित पत्र और दूसरी किस्त में औपचारिक स्वीकृति के बाद 1 वर्ष पूरा होने के बाद सौंपी जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न प्रांतों से 20 व्यक्तियों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वही पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। CU के स्थायी कैंपस निर्माण की मांग को लेकर ABBP ने CUBC ऑफिस के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर रोष जताया। ABBP का आरोप है कि सरकार CU में सुविधाएं नहीं दे पा रही है और स्थायी कैंपस को लेकर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ा है। ABBP के जिला कांगड़ा संयोजक अभी राणा ने कहा कि स्थायी कैंपस निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के लापरवाह रवैये के चलते उन्हें आज भैंस के आगे बीन बजाने का प्रदर्शन करना पड़ा। केंद्र और प्रदेश सरकार अभी भी गंभीर नहीं हुई तो आगामी दिनों में ABBP उग्र आंदोलन करेगी। KCC बैंक के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की, जबकि बैंक के 196 के लगभग डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया। बैंक में डेलीगेट्स ने बट्टा खाता यानी रिजर्व फंड को लेकर सहमति नहीं दी। वहीं बैंक की ब्याज दर पर भी डेलीगेट्स संतुष्ट नजर नहीं आए। KCC बैंक ऋण फर्जीवाड़े में KCC बैंक चेयरमैन ने कहा कि इस दिशा में बैंक प्रबंधन आगे बढ़ रहा है। बैंक प्रबंधन ने सख्ती से कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ मामले ध्यान में आए हैं, उन्हें यदि विजिलेंस को देना होगा तो वैसे किया जाएगा और FIR दर्ज करवानी होगी तो इस दिशा में भी प्रबंधन आगे बढ़ेगा। KCC बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि KCC बैंक का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें बैंक के 196 डेलीगेट्स ने भाग लिया, जिसमें सभी के सामने बैंक का पूरे साल का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे जनरल हाउस में पास किया जाता है। अधिवेशन में लंबी चर्चा हुई और अच्छे सुझाव मिले हैं। बैंक को आगे बढ़ाने में
सुझाव अहम भूमिका निभाएंगे। एजेंडे में जितनी भी आइटम्स थी उनमें सभी में लगभग सहमति बन गई है। बटा खाता उसमें डेलीगेट्स को रिजर्वेशन थी जिस पर उन्होंने सहमति नहीं दी है। बैंक प्रबंधन पहले डेलीगेट्स की शंकाओं का निवारण करेगा, उसके बाद इसे सहमति प्रदान की जाएगी। बैंक प्रबंधन ने सख्ती से कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ मामले ध्यान में आए हैं। उन्हें यदि विजिलेंस को देना होगा तो वैसे किया जाएगा और FIR दर्ज करवानी होगी तो इस दिशा में भी प्रबंधन आगे बढ़ेगा। डेलीगेट्स द्वारा ऋण ब्याज के मामले में बैंक प्रबंधन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए आगामी निर्णय लेगा।